कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मेरी ससुराल। हाँ जी, ससुराल मेरे गांव में है। मैं मेरे गांव आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरे गांव का घर और हमारी फैमिली से मिलवाती हूँ। मतलब हमारा परिवार बहुत बड़ा है यहाँ गाँव में। एक्चुअली मैं तो बहू हूँ तो सबसे तो नहीं मिलवा सकती, लेकिन जो जो घर में आएंगे मिलने के लिए, सास चचिया सास और बच्चे, उन सबसे मिलवाती हूँ आप लोगों को। चलिए, रेडी हैं आप लोग? मिलते हैं। वैसे हमारा घर बंद रहता है क्योंकि हमारे घर में यहाँ कोई नहीं रहता। हमारे सास भी कानपुर में ही, हम सब लोग कानपुर में रहते हैं। देवर जेठ मेरे सब लोग कानपुर में रहते हैं। मेरा घर ये बंद रहता है तो अभी बहुत गंदा था, अभी कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, कुछ साफ़ करना है। और जब आए थे रास्ते में तो बारिश होने लगी थी। यहाँ बारिश तो डेली होती है, वहाँ कानपुर में तो बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ तो रोज़ बारिश। मतलब मैं तो भीगते भीगते आई तिस्ती से यहाँ तक। बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है। और ये है हमारा, ये आप पीछे देख रहे हैं गेट, ये हमारा किचन है। और ये बारामदा टाइप में है, गाँव बारामदा बनाते हैं। आइए चलते हैं। और ये हमारा रूम है। इस रूम में ही मैं पहली बार आई थी, हमारे जब मैं ब्याह के आई थी। ये बाहर की खिड़की है, ये इसको कोठी, हमारे यहाँ तो कुछ रूम को कोठी बोलते, बहुत बड़ा है ये रूम। मतलब मेरे यहाँ गांव में ये बढ़िया है, दोनों तरफ दरवाजे हैं गेट में। मतलब इस साइड घर तो बहुत बड़ा है। खैर, ये पीछे का दरवाजा है हमारे पीछे का। अब यहाँ कोई रहता तो है नहीं, तो जो भी पाता है, ये ग्राउंड पड़ा है, ये सारा हमारा ही ग्राउंड है, तो जो भी पाता है वही इस्तेमाल कर लेता है। ये किसी की मक्का वगैरह पड़ी है क्या? लाडू से मक्का है ना? खोलो खोलो। मतलब जगह पड़ी रहती है तो कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए इतना सामान पड़ा है। वो किसी की भैंस बंधी है, परिवार के लोग हैं वो भैंस बांधते हैं। और ये हमारे घर को पीछे का गेट है, अभी आपको अपने आगे वाले को गेट दिखाऊंगी। दोनों साइड दरवाजा है हमारे घर में। और ये हमारा किचन है, अब ये
ऐसा ही पड़ा है क्योंकि यहाँ की भी सफाई नहीं की, अभी करेंगे। और ये किचन है हमारा, अब कोई रहता नहीं है तो ज़्यादा सामान वगैरह भी नहीं है। और ये एक रूम है, तो आते ही सारी यादें ताज़ी हो जाती हैं जब यहाँ पर आओ, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमारे गांव में। ये जीना गया है और एक ये रूम है, ये कोठी है, बैठक का कमरा है ये हमारा। अभी इसमें ईंटें वगैरह ये जमा है क्योंकि छत पे काम कराना है, अभी काम कराएंगे, मिस्त्री मिल जाए फिर काम शुरू कराते हैं। ये देखो बच्चों ने आते ही अपने दादाजी को भी चेस सिखा दिया। समझ में नहीं आ रहा है ना? तो बच्चों से पूछ रहे, खेलो बच्चों से, पूछ से खेलने लगोगे। ऐसे देख रहे हैं, ये कौन खेली है? जैसे त्यूड़ी खेलते, पहले त्यूड़ी नहीं खेलते थे? त्यूड़ी खेल लेती हो ना, खेल तो ये खेल लियो। ये काफी निकाल फिर डाल लेंगे। ये हमारे देवर जी हैं, देख लो। इनके लिए कोई लड़की वड़की हो तो बताना। ये तो इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये तो शादीशुदा है। और ये पीछे ग्राउंड है, ये सारा हमारा ही है। बच्चे खाना खा ले, अभी रुकिए। देखे त्यूरी भाई लाइन पर लाइन चले थे। लकीर जैसी बात ही चल रही है। ऊँट काला ऊँट है, काले खानों पे चलेगा। बस काले ऊँट है, सफेद ऊँट है, ये सफेद खानों पे चलेगा सर। ये प्यादा है, पहली बार में दो कदम चल सकता है और एक कदम चल सकता है। इसमें कदम कुछ है, ये राजा है, राजा एक कदम चलता है। ये हाथी है, ये सीधे चलता है, ऐसे सीधे, ऐसे सीधे, तिरछा नहीं चल सकता है, सीधे ही चलेगा। ये सिपाही है मेरा, अभी अगर इसे खाने की कोशिश करेगा तो मेरा घोड़ा हाथी ऊँट है, तिरछा तिरछे से मार देगा। ये सिपाही नहीं खा सकता है। इतना बड़ा घर है फ्रेंड, झाड़ू लगाते लगाते कमर दुख जाती है। अब मैंने साफ कर दिया है, जला वाला सब छुटा साफ कर दिया। अब बस बाहर कोठी में झाड़ू लगा दे। तो ये गैलरी है, गांव में अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जो गांव छोड़ना पड़ा। मतलब गांव देहात में है ना, काफ़ी दूर है। यहाँ अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी गांव क्यों छोड़ा था हम लोगों ने। तो हमारे यहाँ की लाइट वाइट सब इतने दिन में ख़राब हो जाती है, चूहा हुआ सब काट देते हैं इतने दिन से। तो राज मेरा लाइट की व्यवस्था कर रहा है, रात तो जैसे तैसे गुजर गई, बारिश हो रही थी तो इतनी गर्मी नहीं थी। अब मेरी तो लाइट की केबल पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। अब राज मेरे चाचा जी के यहाँ से लाइट है, तो क्यों मार रही है उसको? और कोई मार मार के खिलाता है क्या? उसकी मम्मी मारेगी दृष्टि तुमको। बहुत बहुत मारो सही है मैंने।
दूर तो हम लेके आए, वो बहुत बहुत बढ़िया है नया घर से उनसे लेके। हमारो है नहीं 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 हमारा है नहीं हमारा है हमारा क्यों मार रही है उसको? अब कोई मार मार के खिलाता है क्या? उसकी मम्मी मारेगी दृष्टि तुमको।